रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है तो एक बुरी भी खबर है। एक तरफ जहां रियल एस्टेट में रेगुलेटर बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो वहीं एनजीटी ने नोएडा एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है और इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से रियल एस्टेट की मांग कर रहे रेगुलेटर बिल में संशोधनों को मंजूरी दी गई है और इससे न सिर्फ घर खरीदने वालों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे बल्कि मनमानी करने वाले बिल्डरों पर भी लगाम लगेगी। अब बिल्डर्स नहीं रहेंगे बेलगाम, मकान के मामले में नहीं चलेगी मनमानी, रियल स्टेट रेगुलेटर करेगा निगरानी। कभी जिंदगी भर की कमाई जोड़ने के बाद तो कभी कमाई से एक अदद हिस्सा निकालने के बाद हर शख्स एक मकान की तलाश करता है और उसकी ये तलाश खत्म होती है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में बन रहे इन मकानों पर आकर। मकान बेचते वक्त बिल्डर तमाम वादे करते हैं लेकिन कागजों पर किए जाने वाले ये वादे घर के अंदर दाखिल होते ही धोखा देने लगते हैं। कभी कार्पेट एरिया में धोखाधड़ी, कभी प्रोजेक्ट में देरी, तो कभी बायर्स के पैसे को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाना। लेकिन अब बिल्डर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये बिल फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के टाइम रेगुलेटर अर्बन लोकल बॉडी और सैंक्शनिंग अथॉरिटी को रेगुलेटर के नीचे होना चाहिए, नहीं तो उसमें सब बिल्डिंग खड़ी हुई है, सब बिल्कुल तैयार है, मैं चाबी देने को तैयार हूँ लेकिन मेरे को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो इसलिए फिर प्रोजेक्ट की पोजेशन डिले हो जाती है। उस वक्त अर्बन लोकल बॉडी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को रेगुलेटर के अंदर लाना जरूरी है। गवर्नमेंट को इस बात के बारे में सोचना चाहिए ताकि कंज्यूमर सफर ना करे। देखिए अभी तो विचार विमर्श होना है, इसमें संसद में विचार विमर्श होना है तो हमारी तरफ से तो जो हम लोगों ने अपनी अपना जो यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें दो तीन चीजें हैं। एक कि जब बिल शुरू हुआ था तो इसमें कहा गया था कि भाई जो घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपने पूरे जीवन की पूंजी और जो सेविंग्स होती है उसको लगाते हैं तो इसलिए कोई उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो वो कवर्ड थे इसमें रेजिडेंशियल। अब जो बिल आया है उसमें कहते हैं कि कमर्शियल प्लेसेस भी, तो उसका जो विस्तार किया गया है क्या उनको भी बीच में लाना चाहिए या नहीं। संसाधनों के बाद इसे संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। दरअसल बिल को यूपीए सरकार ने तैयार किया था जिसमें कुछ बदलाव के साथ इसे मंजूर कर लिया गया है। माना जा रहा है कि रियल स्टेट रेगुलेटर बनने से बायर्स को काफी फायदा होगा, जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले रेगुलेटर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्रोजेक्ट को प्लान के मुताबिक ही बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में किसी गड़बड़ी को ठीक करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी, बिल्डर से डिफॉल्ट होने पर कंज्यूमर को पैसा वापस मिलेगा, डेवलपर को प्रोजेक्ट की सभी जानकारियां देनी होंगी, अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया भी बताना होगा। सिर्फ सुपर एरिया के आधार पर प्रोजेक्ट बेचने की अनुमति नहीं होगी, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट होगा, अकाउंट में बायर से प्रोजेक्ट के लिए दी गई 50% रकम रखनी होगी, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जा सकेगा, ग्राहकों को बिल्डर द्वारा गलत जानकारी देने पर सजा मिलेगी, दो तिहाई खरीदारों की मंजूरी के बिना प्लान में बदलाव नहीं किया जा सकेगा, शर्तों की जानबूझकर अनदेखी करने पर 3 साल की कैद या प्रोजेक्ट की कीमत का 10% जुर्माना देना होगा। अभी मैंने रेगुलेटरी बिल का भी जिक्र किया कि उसके आने के बाद मेरे ख्याल इस समस्या पे काफी जो है रोक लगेगी, और रेगुलेटरी बिल में मैंने जो दो एक कमी की जो बात कही थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि टाइमली पोजेशन कई बार आप कह सकते हैं कि 60-70% अगर डेवलपर की वजह से नहीं होता तो 40% जो है अथॉरिटी की वजह से भी नहीं होता। इसके अंदर थोड़ी सी अभी एक कमियां भी रह गई हैं कि ये ऐसा मानना है कि इस प्रोजेक्ट का मतलब इस रेगुलेटरी बिल को
पुराने प्रोजेक्ट पे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उन पे भी लागू किया जाएगा, वो थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर लागू करने का मतलब है प्रोजेक्ट को और फर्दर डिले करना, ये एक एक इशू है। वही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। सरकार के इन फैसलों ने घर खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर दी है। एक तरफ जीवन भर की कमाई लगाकर घर खरीदने वालों को धोखाधड़ी से निजात मिलेगी, तो दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, जिससे उन डेवलपर्स का हौसला भी बढ़ेगा जो इस सेक्टर में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट राहुल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इस बिल में जो संशोधन हुआ है, अगर ये अमल में आता है तो कौन से ऐसे राइट होंगे जो बायर्स को पहले नहीं मिले थे अब मिल गए? देखिए, अगर अगर इस पूरे उसकी बात की जाए तो इसमें बेसिकली दो चीजें हैं जो ज्यादातर उभर के आती हैं बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। एक तो ट्रांसपेरेंसी और दूसरी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो यही दो चीजें हैं जिसके ऊपर सारे, अगर चाहे वो प्रोजेक्ट का पैसा जमा कराना हो या सब कुछ हो। पहले बायर को इस बात से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, इस तरह के सवाल भी नहीं उठते थे कि क्या इसका 50% जमा कराना है या नहीं कराना। कभी उसका कोई कंसर्न नहीं लिया जाता था कि प्लान में अगर चेंज हो रहा है तो उससे कभी पूछा नहीं जाता था। तो ये सारे बेसिकली फायदे होंगे, जिसमें बेसिकली दो तीन चीजों को अगर ले लें तो एक तो ये है कि प्लान्स में चेंज नहीं होंगे बगैर दो तिहाई कस्टमर्स की जानकारी के बगैर। दूसरी चीज ये है कि जो ब्रोकर्स थे उनको भी अकाउंटेबिलिटी में लिया जा रहा है, जैसे पहले कभी भी कोई भी उसकी डील करता था। राहुल जी, लेकिन जिस तरह के क्लॉज अभी भी डालते हैं बिल्डर और बड़ी आसानी से धोखा दे देते हैं, ये मुमकिन हो पाएगा क्योंकि इस तरह की गुंजाइश तब भी रहेगी? देखिए, इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। पहले बायर्स थे जिनको, जो बायर्स एक तरीके से डेवलपर्स और प्रमोटर्स की विम्स और फैंसीज पे काम करते थे, वो एक बनाते थे बिल्डिंग, उसमें उनके पास ना तो वो इन्फॉर्मेशन होती थी और ना बताया जाता था। जो बायर होता है वो एक घर खरीद रहा होता है, शायद अपना पहला घर खरीद रहा होता है अगर ज्यादातर इलाकों में हम बात करें तो। आज कहीं जाके ये हुआ है कि बायर खड़ा होकर बोल सकता है कि लाइए आप अपने पेपर्स दिखाइए, आपके पास सारे अप्रूवल्स हैं या नहीं है, जो जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन फ्लो है, तो इससे डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन एक बड़ी सवाल है कि जिस तरह हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बिल्डर और अथॉरिटी का जो नेक्सस है उससे कहीं ना कहीं बायर्स को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो ये नेक्सस तब भी बना रहेगा। हालांकि कुछ चीजों में ट्रांसपेरेंसी जरूर दिखेगी, लेकिन वो गुंजाइश जो रहेगी उससे बायर्स को तो फिर परेशान होना पड़ेगा। वो डेफिनेटली जैसा आपने कहा नेक्सस है, तो नेक्सस के लिए आप आज देखिए, आज पहले बायर होता था, अथॉरिटी को कहां अकाउंटेबल बनाया गया? अथॉरिटी को कितना अकाउंटेबल बनाया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर डेवलपर्स पे भी इसी तरीके से शिकंजा कसता रहा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई फायदा होगा। पहले एक बायर जो होता था उसके पास ना तो कोई इन्फॉर्मेशन होती थी, उससे वो बिल्डर से मिल भी नहीं सकता था। आज कम से कम अगर एक रेगुलेटर आ जाता है तो उसे पता तो होगा कि वो जो पैसा दे रहा है वो उसी के कंस्ट्रक्शन में जाएगा, या वो जो जिस प्लान को देख के वो घर खरीद रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर बाई चांस बिल्डर या प्रमोटर कुछ ऐसा करता है तो उसके बाद उसमें फिर सजा का भी प्रावधान है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बायर्स का काफी फायदा होगा जैसे जैसे धीरे सारी चीजें लागू होती हैं। जी ठीक है, इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर आप कुछ मियाद में कुछ समय में अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है या आप गलत जानकारी देते हैं या बायर्स को धोखे में रखते हैं तो 10% प्रोजेक्ट का है। ये तो ऐसा हो गया कि हमने हवा में बातें कर दी है, लेकिन अमल में कैसे आएगा बगैर अथॉरिटी की भूमिका के, ये बड़ा सवाल है। इससे भी पहले अगर हम एक कदम और आगे जाएं तो अभी तो ये वैसे भी राज्यसभा में है, ये जब तक होके आता है तब तक डेफिनेटली आई एम श्योर जो बिल्डर लॉबी है वो भी इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, और इनको एंड ऑफ द डे सारे प्रमोटर्स को सही रास्ते पे तो चलना ही होगा, क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। अब ये कैसे लागू होता है, जैसे अब कार्पेट एरिया के बारे में साफ साफ बात की जा रही है कि आप कार्पेट एरिया पे ही मेंशन करेंगे और उसी को बेचेंगे, अगर ये भी लागू होता है तो एक एक करके भी होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बायर्स हैं वो अपने अपनी ईमानदारी की कमाई से एक घर खरीद रहे होते हैं और वो उसके लिए कंसर्न होते हैं। बिल्कुल, तो आज एक एक चीज करके वो सारे कंसर्न्स को कमर्शियल प्लेसेस को लेकर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है बिल्डरों की, हमने जो प्रतिक्रिया देखी है। देखिए, बिल्डर्स के लिए तो कमर्शियल प्लेस कमर्शियल इशू हो सकता है, बट आज की डेट में आप देखें तो कमर्शियल भी हर रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। 100-100 स्क्वायर फीट की वर्चुअल स्पेस के नाम पे आप 5-5.5-6 लाख रुपए से भी कमर्शियल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं रहा है कि कमर्शियल पहले एक डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से वो खरीदते, आज आप देखिए हर बंदा जो है वो एक छोटे 5 लाख 6 लाख 10 लाख की जमा पूंजी से भी आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी राय में आज के समय में अगर मैं इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से देखूं
तो इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। बिल्कुल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने नोएडा एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने इस इलाके में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को इस फैसले की वजह बताया है। कई किलोमीटर का यह इलाका है, लेकिन इससे हजारों उन बायर्स के दिलों की धड़कन बढ़ गई है जिन्होंने यहां बन रहे प्रोजेक्ट्स में घर बुक कराए हैं, जो कि पहले से ही 2 से 3 साल लेट चल रहे हैं। और आखिर सवाल यह है कि इनके भविष्य का क्या होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव में नियमों का उल्लंघन करने वाले कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। इससे घर खरीदने वालों में हड़कंप मच गया है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन के 2 किलोमीटर के इस हिस्से में काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नोएडा एक्सटेंशन के अलावा गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड से 2 किलोमीटर के दायरे में भी प्रदूषण का हवाला देते हुए काम पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी होने की खबर है। अच्छा है कि प्रदूषण कम हो, लेकिन इस तरीके से काम बंद करने से आर्बिट्ररी जो ऑर्डर है, अगर आपने देखा होगा उसमें लिखा है कि हमने अखबार में रिपोर्ट पढ़ी 6 अप्रैल को और इसलिए हमने ये काम बंद कर दिए। एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में सुनवाई तो होनी चाहिए, एक शो कॉज नोटिस तो होना चाहिए। बीइंग ए डेवलपर हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे प्रोजेक्ट पर इस तरह का कोई एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट ना हो। और अगर हम इन चीजों को इनको इंश्योर करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कोई एनजीटी इसके ऊपर कोई एडवर्स ऑर्डर देने वाली। वही बिल्डरों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर बिल्डर मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। साथ ही क्रेडाई की सलाह पर सदस्यों ने पर्यावरण नियमों के पालन और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी प्राधिकरण के पास पहले ही जमा करा दी है, इसलिए निर्माण कार्य रुकने की नौबत नहीं आएगी। ज्यादातर लोग जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको हमने कंप्लायंस रिपोर्ट अथॉरिटी में जमा करने को बोला है कि जो आप अपना सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है प्लस जो कंप्लायंस रिपोर्ट है प्लस एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि दोबारा से उस गाइडलाइंस को जाके देखिए, साइट के ऊपर जाके देखिए, अगर आप उसमें कोई कमी पाते हैं तो इमीडिएटली उसको दूर करिए कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं, चाहे वो ट्रकों को ढकने की बात है, मिट्टी के ऊपर पानी डालने की बात है, ट्रकों को सड़कों पर आने से पहले ट्रकों के टायर धोने की बात है, तो ये अगर इसको जो है इसमें कोई कमी है तो इमीडिएटली इसको ठीक करिए, जिससे कि सारी गाइडलाइंस को आप पूरा करें, जिससे कि आप इस ऑर्डर के अंडर जो है ना आ सके। इस ऑर्डर के अंडर वही आएगा जो गाइडलाइंस को पूरा नहीं करता। वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिल्डरों के खिलाफ सख्ती का रूप अख्तियार किया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे वैसे बिल्डर्स को काम रोकने का आदेश दिया है जो पर्यावरण के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही बिल्डर्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। और हमारे साथ पर्यावरणविद विक्रांत तोगड़ साहब इस बीच जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राहुल चौधरी साहब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत तोगड़ साहब, क्या होगा उन लोगों का, बायर्स का, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा, जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा रखी और अब इस तरह रोक, ये तो पहले हो जाना चाहिए था तो शायद बच जाते कुछ बायर्स। देखिए, बायर्स को डरने की जरूरत नहीं है। वो जहां उनका प्रोजेक्ट है वहां वो बिल्डर से कहें कि वो पर्यावरण मंत्रालय के जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करें। उन बिल्डर्स पर ही गाज गिरेगी जो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या जो अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। केवल उन बिल्डर्स पर ये लगाम लगाई गई है जो फॉलो कर रहे नियम, उन्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और बायर्स के लिए राहत भरा होगा, अगर बायर्स का कोई पक्ष है, बिल्डर्स का कोई पक्ष है तो वो कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट अवश्य उसे कंसीडर करेगा। जी विकास जी, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभावित तो बायर ही हो रहा है। बिल्कुल, बायर प्रभावित हो रहा है। दिक्कत यह है कि कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो बिल्डर्स पे नकेल कसे। इसमें कार्रवाई बिल्डर्स के ऊपर भी होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्डर्स हमेशा बच जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्डर्स के प्रति गंभीर नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिससे बिल्डर्स चपेट में आ सके। इस वजह से बायर्स चपेट में आए हैं, लेकिन जल्द ही बायर्स को राहत मिलेगी अगर बिल्डर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बंद करेंगे तब। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बायर पिस जाएगा। बिल्कुल, बायर पिसेगा। बायर पहले भी पिसा है, भूमि अधिग्रहण के मामले में पिसा है। तो ये सब प्रशासन और बिल्डर्स की लापरवाही से बायर पिसे हैं। बायर्स को सवाल करने चाहिए बिल्डर्स से और सरकार से फ्लैट लेने से पहले। ठीक है राहुल चौधरी साहब, तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि अब क्या करेगा बायर, उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बायर जिसने, अगर हम खास करके इस वाले इलाके की बात करें नोएडा एक्सटेंशन की, तो ये वो पूरा इलाका वो है जहां पे पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वाले, बिल्कुल बजट में इन्वेस्टमेंट करने वाले वो सारे इन्वेस्टर्स हैं। अब वो उस घर को लेने के बाद अपनी नौकरी छोड़े या क्या करे, कोर्ट के रास्ते जाएं,
तो डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम है बायर्स के लिए. तो और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि आप देखिए एक बिल्डिंग जब बनके तैयार हो गई है उसके बाद अब सारे क्लॉजेस आ रहे हैं, तो एंड ऑफ द आप कोई भी कंडीशन उठा लिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सफर करेगा वो बायर ही करेगा इसमें. ये विक्रांत जी एक अहम पॉइंट है कि अब सारे क्लॉजेस आ रहे हैं, अब पता चल रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था, तो ये नौबत नहीं आती. बिल्कुल, देखिए पहले से है, लेकिन दिक्कत क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का दिक्कत था. अभी तक प्रशासन ने और बिल्डर्स ने इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया. अब कोर्ट का काम है इम्प्लीमेंटेशन को देखना, रिव्यू करना. 2010 में ये नियम आए हैं जिन नियमों के तहत बिल्डर्स पर नकेल कसी गई है. 2010 से अब तक मुश्किल ही कोई बिल्डर ऐसा होगा जिन्होंने इन नॉर्म्स को कंप्लायंस किया है. तो कोर्ट का ध्यान गया क्योंकि वायु प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली एनसीआर में, और उसका मुख्य वजह है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्योंकि बिल्डर्स नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रहा है बिल्डर की साइड पे, जिससे नजदीक के गांव, नजदीक के सेक्टर बहुत प्रभावित हो रहे हैं. तो 2010 में नियम आए, अब 2015 में जाके इसका रिव्यू हुआ तो अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन पाया गया, तो इस पे इसलिए रोक लगाई गई है जिससे कि कंप्लायंस अच्छे से हो सके. ठीक है विकास तोगर साहब, अगर आप बता सके जो नया रेगुलेटर बिल में संशोधन हुआ है, अगर ये पास हो जाता है लोकसभा से दोनों सदनों से, तो क्या इस पर लगाम लग पाएगी, पर्यावरण के नियमों का बिल्डर ध्यान रख पाएंगे और उनके लिए ठोस कार्रवाई होगी, उन्हें सजा का ऐलान होगा, क्या इस तरह का प्रावधान उसमें है? बिल्कुल, देखिए ये जो रेगुलेटर एक्ट जो आया है ये बड़ी संभावनाएं लेके आया है. अब बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा में पारित हो, और हमें पूरी संभावना है हमारे मंत्री लोग, हमारे एमपीज इसको अवश्य पास कराएंगे, क्योंकि यह जन सरोकार से जुड़ा हुआ है. और जब यह रेगुलेटर एक्ट आ जाएगा और ये जो नियम है जितने भी जो बिल्डर्स के फेवर में जो अभी तक कानून थे, कहीं ना कहीं बिल्डरों पे लगाम जरूर कसी जाएगी, क्योंकि हम जो बायर्स हैं, हम भी एक बायर्स हैं, हर आदमी लगभग आजकल फ्लैट खरीद रहा है, तो बायर्स अच्छे से पूछ सकेंगे बिल्डर से कि आपने क्या क्या नॉर्म्स फॉलो किए हैं. अभी कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि बायर उससे पूछ सके. तो रेगुलेटर एक्ट जो आ रहा है इससे बहुत ही राहत मिलेगी, जो भी मकान खरीद रहे हैं उससे पारदर्शिता आएगी. जी ठीक है, राहुल चौधरी साहब, जो अभी हजारों बायर्स हैं जो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि अब सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई हुई है, बिल्डर अब मुझे नहीं लगता है कि समर्थ होगा उन तमाम नॉर्म्स को पूरा करने में, तो फिर ऐसी सूरत में बायर्स कैसे निकल पाएगा? देखिए जिस कंस्ट्रक्शन स्टेज पे ये पूरा इलाका खड़ा है वहां पे बायर्स मोर और लेस सारी पेमेंट कर चुके हैं. अगर डेफिनेटली 100% नहीं भी की होगी तो 80% से ज्यादा पेमेंट वो कर चुके होंगे जिस भी स्टेज पे बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं. इस समय पे पॉल्यूशन का कुछ भी होता है या एनजीटी का कोई भी एक ऑर्डर आता है उसमें डायरेक्ट कस्टमर की या इन्वेस्टर की कोई से है भी नहीं. तो मेरी राय में बायर के पास वेट एंड वॉच के अलावा और कोई रास्ता है नहीं. वो डेफिनेटली अपनी गुहार लगा सकते हैं किसी भी कोर्ट में जाके या बिल्डर के पास जाके, बट इसमें जो बायर है वो सिर्फ पैसे देके बैठा हुआ है और अब उसके पास अपने घर का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं. कोई रास्ता है नहीं, और ये इंतजार कितना लंबा होगा बायर को भी नहीं पता है. तोंगर साहब, क्या बायर्स को, कि बायर्स आपसे ये सवाल पूछेंगे कि किस तरह का रास्ता हो सकता है आपकी नजर में, क्योंकि वैसे ही डिले हो गए प्रोजेक्ट बहुत सारे, ये गलती बिल्डर की है, तो बिल्डर को भुगतना होगा ना कि बायर को? बिल्कुल, देखिए यहां बायर्स के सामने एक ही विकल्प है कि वो अपने बिल्डर को अप्रोच करें, प्रशासन को अप्रोच करें, प्रशासन से बात रखें, और बिल्डर्स अगर कंप्लायंस करते हैं अब वो कोर्ट में बात रखें. नहीं, जब नॉर्म्स ही पूरे नहीं हुए, कंस्ट्रक्शन पर रोक लग चुकी है, तो फिर रास्ता क्या? नहीं, देखिए नॉर्म्स बहुत आसान से है शर्मा जी. उन्होंने केवल ये कहा है कि डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल जो आपके यहाँ आ रहा है उसको कवर अप करके लेके आए ट्रक में. ये बहुत सामान्य से नॉर्म्स है, अपने प्रोजेक्ट को कवर करना है, ग्रीनरी मेंटेन करनी है, बड़े सामान्य से नॉर्म्स है. अब इन्हें पालन किया जा सकता है और पालन के साथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा सकता है. एनजीटी ने बहुत क्लियरली कहा है, एनजीटी उन पे नकेल कस रहा है जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. आगे कंस्ट्रक्शन करना, नॉर्म्स फॉलो कीजिए, बड़े सामान्य से नॉर्म्स हैं, उन्हें फॉलो करते हुए आप आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए, ये रास्ता बायर के पास है. बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत तोगर साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहे. राहुल चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही.